उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, किसी किसी के मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ पड़ सकता है? एक चाइना इंडिया ओशन रीजन का फोरम, आपके पास प्रॉपर्टी है कितनी पाकिस्तान में? हाँ शुक्र है अल्लाह का। बेगानी शादी में केवल अब्दुल्ला ही दीवाना होता, हम अब्दुल्ला। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे चीन ने इंडियन ओशन पर एक फोरम बनाया था और उसमें 19 देशों को बुलाया था और वहां पे उन्होंने भारत को नहीं बुलाया था। तो भारत को नहीं बुलाना कैसे चीन को पड़ा महंगा, क्योंकि उन 19 देशों में चीन ने ऑस्ट्रेलिया और मालदीव का नाम भी दिया था, पर ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने बयान जारी करके ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और मालदीव उस फोरम में नहीं थे और चीन झूठ बोल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने सरेआम चीन को थप्पड़ मारा है डिप्लोमेटिकली, तो इससे चीन की बेइज्जती हो गई। और जो इंडियन ओशियन पर चीन ने फोरम बनाया था वो भी एक फर्जी फोरम था, वो भी साबित हो गया। तो पाक मीडिया आज इसके बारे में बात करे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। ठीक है, हर चीज फर्स्ट है। आज एक और बताओ, इन्होंने कुछ आज इंडियन ओशन कुछ कॉन्फ्रेंस कोई नहीं बना ली और बोल दिया ये देश आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने बोला यार हमें तो पता ही नहीं, हमें तो हमारा नाम कहाँ से आ गया, हमें तो बुलाया तक नहीं, नीदर हैव वी सेड वी आर पार्ट ऑफ अलायंस। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, किसी के मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ पड़ सकता है? कैन एनीबॉडी बी स्टम्प्ड इन द डिप्लोमेटिक वर्ल्ड दिस मच? ये चाइना ने बेसिकली एक चाइना इंडिया ओशन रीजन का फोरम का इजलास बुलाया, 19 ममालिक सुना उसमें आए, उन्होंने कुछ 19 ममालिक के नाम लिए लेकिन इंडिया को नहीं बुलाया। ठीक है, बाद में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया और जो मालदीव हैं उन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी की कि हमें नहीं बुलाया गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इंडिया को ना बुलाना ठीक है और चाइना और ऑस्ट्रेलिया और जो मालदीव्स है इसकी इसका नाम लिख देना? कितने डॉलर होंगे आपके जेब में, बता, आइडिया बता दो। 5-10 होंगे। 5-10 होंगे, चलो। आपके पास प्रॉपर्टी है कितनी पाकिस्तान में, हाँ शुक्र है अल्लाह का, बताओ नंबर बताओ। हाँ अच्छा शुक्र है, गुजर रही है जिंदगी। नहीं सही बात है, आप बिल्कुल सही, ना मुझे डॉलर बता रहे हो ना प्रॉपर्टी बता रहे हो। कह रहे सुमित भाई तुम्हारा क्या लेना देना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तू क्यों मेरी प्रॉपर्टी, जो मर्जी मेरी, मेरे पैसे, तू भाई क्यों पूछ रहा है? ठीक उसी तरह से इंडियन ओशन हमारा एरिया, हम उसके करता धरता। ये मामा जी पता नहीं कहाँ से आ गए, ये वही वाली बात है मैं आपको पूछ रहा हूँ। ऐसा देखो चीमा साहब, एक सुमित चीमा एसोसिएशन मैंने बनाई, मैं आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करूंगा, मैं आपके फंड्स मैनेज करूंगा। ओए तू कौन भाई, मैंने बोला कि तुझे मैनेज करने को, कह रहे नहीं मैंने एसोसिएशन बना लिया और ये ना 5 लोग मेरे साथ है, हम सब मिलके आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे को मैनेज करूंगा। बोले भाई मैं कौन, तू कौन, खामू का भाई है आ गया। वही वाली बात है, इनका जैसे चाइना फर्जी वाड़ा करता है उतनी ओरिजिनल इनकी लिस्ट है जितनी ये चाइनीज वैक्सीन है। अब देखिए इन्होंने भूटान को इंक्लूड किया, नहीं सॉरी नेपाल को, नेपाल करा भाई मेरा तो इंडियन नेशन से लेना देना ही नहीं मेरे को, मैं काहे को, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लैंड लॉक कर अफगानिस्तान को। अभी आप कह रहे 2 कंट्रियों ने भाई प्रेस रिलीज जारी की, मालदीव कह रहा भाई हमें तो पता ही नहीं। ये है फर्जीवाड़े के मास्टर, कहते हैं ना खसियानी बिल्ली खम्मा नोची। अब कुछ हो नहीं रहा, हमारा कॉपरेशन चल रहा पिछले 7-8 साल से चल रहा, दुनिया में हमें सपोर्ट मिल रहा, हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे, सब कुछ अपनी नेवी को सशक्त कर रहे हैं। अब इन्हें क्या मिला, हम भी एक एसोसिएशन बनाते हैं। अब आप बोलो आप साउथ चाइना से एसोसिएशन क्यों नहीं बनाते? नहीं चीमा साहब हम नहीं बनाएंगे, बेगानी शादी में केवल अब्दुल्ला ही दीवाना होता, हम अब्दुल्ला दीवाने नहीं। दे हैव द कैपेबिलिटी टू बी इन इंडियन ओशन, मतलब उनको किसी को बताना तो नहीं होगा कि भाई हम इंडियन ओशन में क्यों आ रहे हैं, ओशन तो ओशन होता। तो आप कैसे कह सकते हैं भाई ये जो है ये इंडियन ओशन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, आपके नाम से है, मतलब दैट डजंट मीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिन जिन के हैं इंडियन ओशन में अगर इनको जोड़ा जाए, उन्हीं का तो ओशन हुआ ना, वो सारे हमारे अलायंस के मेंबर हैं। चाइना को बाहर क्यों रखा, तेरा लेना क्या यहाँ पे भाई? अब्दुल की सलमा से शादी हो रही, तू दुल्हा क्यों मर रहा है, तेरे को क्या मतलब, तू तेरे को तो कार्ड भी नहीं भेजा, तू काहे को नाच रहा है दूल्हे के सामने? अब अमेरिका को भी वही लॉजिक बताया कि अमेरिका भाई आपका इंडियन ओशन में कोई मतलब नहीं, आपका इकोनॉमिक जोन है नहीं, बाकी फ्री नेविगेशन एज पर इंटरनेशनल रूल जो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उसमें तरीका नहीं है।
बट आप चाइना होते हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपना दबदबा बनाना चाह रहे हो, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट योर इन्फ्लुएंस इन द रीजन, व्हिच वी आर सेइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल. इंडियन ओशन में आना फॉर नेवल पर्पसेस और फॉर योर नेवल व्हाट यू कॉल मर्चेंट नेवी एंड ऑल इज परफेक्टली ऑल राइट एज पर इंटरनेशनल रूल्स, कोई किसी को नहीं रोक सकता. पर जो अलायंस बनेगी चीमा साहब, उसमें वही तो बनेंगे ना जो स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर ही नहीं है उसको अलायंस में लाने का काम करेंगे. हम सबके इकोनॉमिक जोन है 23 के, दैट सम्स अप द एरिया ऑफ द ओशन. अब मुझे बताइए, अगर चाइना को इतनी तकलीफ नहीं, चाइना ने अर्जी क्यों लगा रखी मुझे सही जोन में ले लो. चीमा साहब, हमारा जो रिम है दैट इज ऑपरेशनल, दैट इज अप एंड रनिंग फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स. और चाइना को अब नींद से उठे, थोड़ी अफीम अफीम कम चढ़ाई होगी, अफीम का नशा उतर के कह रहे हमको इकोनॉमिक जोन बनाएंगे. और फर्जीवाड़ा देखिए, बेचारे नेपाल को डाल दिया, वो कह रहा भाई मेरा तो समंदर ही नहीं, अफगानिस्तानियों को डाल दिया. और यहाँ ऑस्ट्रेलिया और मालदीव से चिट्ठियां लिख रहा, भाई मुझे तो पता ही नहीं. आप इसी से पता लगाते कि कितना फर्जीवाड़ा है. वैसे एक बात बताऊं, चाइना में अगर इंडस्ट्री होती ना फिल्म इंडस्ट्री ढंग की, वैसे इनका हीरो चीमा साहब ऐसे उड़ता है ना, उड़ के 10-20 को मार देता, उसमें ना पंख लगे होते हैं, इनविजिबल पंख. तो ये जैसे इनकी पिक्चर होती है वैसे इनके इरादे होते, वैसे खलाई खयाली बुला पका रहे. चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं. तो सुमित भाई ने सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने ये बयान जारी करके कि इंडियन ओशन फोरम पे जो फर्जी फोरम चीन ने बनाया था वहाँ पे वो नहीं थे, और चीन ने झूठ बोला है सबको कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और मालदीव भी थे. तो ये डिप्लोमेटिकली चीन को एक बहुत ही बड़ा थप्पड़ है, और इससे चीन का फर्जीवाड़ा भी साबित हो गया. और इंडियन ओशन फोरम जो चीन ने बनाया था, जिसमें उन्होंने भारत को नहीं बुलाया था, और भारत को अगर चीन इनवाइट भी करता तब भी भारत नहीं जाता, क्योंकि इंडियन ओशन पर भारत की अपनी फोरम है जहाँ पे इंडियन ओशन के असली मेंबर है. और मैं आपको बोलता हूँ कि चीन ने ये हरकत की होगी क्योंकि इंडो पैसिफिक के नाम पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने क्वाड बनाया है. तो उसके खिलाफ चीन ने इस फर्जी फोरम में, इंडियन ओशन फोरम में 19 देशों को लेके क्वाड के खिलाफ ये चलाने की कोशिश की थी, जो पूरी तरह से नाकाम होगी. और सुमित भाई ने ही बोला कि इस फर्जी इंडियन ओशन फोरम में कौन कौन से मेंबर थे, और वही एक मजाक की बात है. नेपाल और अफगानिस्तान का इंडियन ओशन से कोई रिश्ता नहीं है. तो इससे पता चलता है कि इंडियन ओशन फोरम जो चीन ने बनाया था वो कितना फर्जी वाड़ा था. और आखिर में मैं ये कहूँगा कि सुमित भाई ने सही कहा कि चीन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गया है. क्वाड से चीन इतना डर गया है कि अब इंडियन ओशन फोरम के नाम पे ये फर्जी वाड़ा चला रहा है, ताकि वो अपने देश में बोल सके कि देखिए क्वाड के खिलाफ हम ये सब कर रहे हैं. तो क्वाड से कितना चीन डर गया है वो इससे पता चलता है. तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है. दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.